वेलकम फ्रेंड्स, मेरी रसोई में आपका एक बार स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का टेस्टी अचार, जो खाने में बहुत अच्छा होता है और इसे बनाना बहुत सिंपल है। तो आम बाजार में आ रहे हैं, फटाफट इन्हें खरीदिए और आम का अचार बनाइए। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट जो मैंने लिए हैं वो इस प्रकार से हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं इंग्रेडिएंट से अचार बनाते हैं। ये देखिए, मैंने कच्चे आम ले लिए हैं, इनको कट कर लिया है बीच से। देखिए, इसकी गुठली थोड़ी कच्ची है तो ये ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएगा। इसे फटाफट इंस्टेंट में बनाऊंगी और इंस्टेंट ही ये यूज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसे जो भी आप शेप चाहिए चाहे आप उस शेप में से कट कर लीजिए। इसके बीज अलग निकाल लीजिए और इसे दो तीन हिस्सों में काट लीजिए। मैं इस प्रकार से सारे आमों को, कच्ची कैरियों को कट कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने सारी कच्ची कैरियाँ कट कर ली। और ये मेरे मसाले हैं। ये देखिए, मैंने इसके लिए मेथी ली है, दाना मेथी, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और मैंने इसके लिए सौंफ ली है, जो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं इसके अंदर कलौंजी डालूंगी, ये कलौंजी भी इसके अंदर जाती है। कलौंजी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए। ये देखिए, मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा आम का अचार तीखा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा लाल मिर्च ऐड कीजिए। ये देखिए, मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया और नमक इसमें ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए, अब मैं इन सब चीज़ों को एक साथ मिला लूँगी। आप चाहें तो अपने जितने भी मसाले हैं उनको रोस्ट करके फिर पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यही प्रोसेस है, मैंने आपको आज इस तरीके से दिखाया है। ना भी अगर आप इनको रोस्ट करें तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इन्हें फटाफट इस प्रकार से मिक्स कर लीजिए। अब हम लोग इसे मिक्स करके और एक साइड रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे ये सारे मसाले हमारी आमियों में अच्छे से चिपक जाएंगे। इस स्टेज पे आप 2 बूंद अगर तेल भी इसमें ऐड करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, मैंने कढ़ाई इस पर गैस पे रख ली, उसमें मुझे तेल डालना है जितना मैं इसके लिए कच्ची आमियों के लिए मुझे चाहिए वो सारा तेल मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला क्योंकि ये मुझे इंस्टेंट यूज़ करना है। तो फटाफट 2-4 दिन में, 10 दिन में खा के मुझे इसे ख़त्म करना है। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से भुन गया, वो गर्म हो गया है। उसके अंदर मैं जीरा और अजवाइन थोड़ी सी डालूंगी, जिसे मैंने भून लिया है। इस स्टेज पे आप इसमें हींग और ये और भी आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से ठंडा हो गया है। मुझे इसे ठंडा करना है और ठंडे करने के बाद ही इसमें अपनी कच्ची आमों वाला मिलाना है मिश्रण। तो ये सारी कच्ची आमियां मैंने इसके अंदर मिला दी हैं, ये देखिए तेल में। और हमारा तेल बिल्कुल ठंडा नहीं, पर हल्का हल्का सा गर्म है, बिल्कुल हल्का सा। इसे ज़्यादा गर्म तेल में नहीं मिलाते, नहीं तो हमारे कच्चे आम बिल्कुल पक जाएंगे एकदम से। तो देखिए, मैंने सारा मसाला इसमें मिला दिया है कच्चे आम वाला, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब चम्मच की सहायता से। और सारे कच्चे आमों में हमारा तेल वो है सारे में चिपक जाएगा। और देखिए, हमारा आम का अचार दिखने में अच्छा लग रहा है ना, ये सारा मिक्स हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में इसे हल्का सा पका लूँगी, जिससे कि आम अच्छे से गल जाएंगे और हमारे 1-2 दिन बाद यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसे नहीं पकाना चाहते इस स्टेज पे, तो आप इसे 2-4 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए अचार चाहिए तो आप इस अचार को ना पकाएं इसी स्टेज के ऊपर, इसमें गरम तेल को थोड़ा ठंडा करके और फिर ऐड करके और आप अपने बर्तन में भर सकते हैं। वो अचार बहुत दिन तक चलता है, कभी ख़राब नहीं होता। ये अचार ज़्यादा दिन इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि ये कच्ची कैरी से बना है, तो ये जल्दी से गल जाएगा। बाकी अगर इसमें तेल डालेंगे तो ये भी बहुत दिन चलता है। तो चलिए, आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।